हम जीता हुआ मैच हारे हैं सिर्फ आईसीसी की जो ये जो अंपायर थे ना ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं बहन। अच्छा मतलब अगर फेयर तरीके से अगर हमें हराते तो इतना दुख ना होता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वो यार बच्चे हो यार वो नो बॉल नहीं थी यार। कहाँ नो बॉल था वो? बिल्कुल नो बॉल नहीं था वो। हाँ बाबर आजम ने भी यही बोला था लेकिन एम्पायर ने उन्हें बोला अच्छा हमको सिखा दिया है और चुप करा के साइड में कर दिया। चलो अनकट पे आज मेरे यानी प्रशांत कपूर के साथ देख लो कैसे वो नो बॉल जिसका इतना बवाल बनाया जा रहा है वो नो बॉल थी और कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को फेयर एंड स्क्वेयर हराया है। देखिए जितने भी फैंस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को गलत तरीके से हराया है और जो कह रहे हैं कि एम्पायर ने गलत नो बॉल दी थी या कोहली ने बोला तो एम्पायर ने नो बॉल दी, उन्हें ये कहना चाहूंगा मैं कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है आप घबरा नहीं रहे हो तो सुनो। अच्छा सुनने से भी कहां मानोगे तुम लोग, तो ये देख लो। ये थी वो बॉल जिस पे विराट कोहली ने छक्का मारा था और जिसे नो बॉल दिया गया था। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप पाकिस्तानी फैंस को समझ नहीं आ रहा होगा। चलो थोड़ा और डिटेल भर देते हैं इसमें। ये देखो लाइन, ये है वेस्ट की लाइन और अगर कोई भी बॉल बिना टप्पे के इसके ऊपर डाली जाती है तो उसे नो बॉल कहा जाता है। अगर अभी भी आप कहोगे वो नो बॉल नहीं थी तो भाई इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि हमने फेयर नहीं हराया पाकिस्तान को, अरे भाई 33 रन पे 4 विकेट गिर गई थी हमारी और टारगेट था 160 का। उसके बाद कोहली और पांड्या ने जिस काम तरीके से गेम को आगे बढ़ाया है और वक्त के साथ गियर चेंज करे हैं, क्या वो अनफेयर था? और जब 8 बॉल पे 28 रन चाहिए थे और कोहली ने हरीश रॉफ को बैक टू बैक 2 छक्के मारे थे, क्या वो अनफेयर था? और चेज मास्टर 3 साल बाद अपनी वही एग्रेसिव किंग कोहली वाली फॉर्म में वापस आ गए, क्या वो अनफेयर था? कंट्रोल ही तो नहीं कर पाए ना विराट कोहली अपने आंसू, ना हम इंडिया वाले अपनी इमोशंस और ना ही पाकिस्तान वाले अपना गुस्सा। और जिन भाई साहब की वीडियो हमने आपको अभी शुरुआत में दिखाई वो अनकट की तरफ से गए नालायक पत्रकार को दुबई में भी मिले थे और इंडिया के पाकिस्तान से मैच हारने के बाद उनका यही कहना था कि आज तो काफी मस्त लग रहे हो भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट जो कर दिया ना 2.0 इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो भैया ये जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है उसमें विराट कोहली नाम का वायरस ऐसा घुसा कि बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और मेरा भी यही फर्ज है आपको बताना कि जब फ्री हिट होती है तो सिर्फ रन आउट माना जाता है और चाहे कैच हो या बोल्ड हो या LBW, बॉल जब तक बाउंड्री के बाहर नहीं जाती तब तक डेड नहीं होती। और आपके लिए स्पेशली एक और चीज कहना चाहता हूं कि हाँ भाई आगे स्वाद। तो भाई कुल मिला के मैच था बढ़िया, लास्ट बॉल तक थ्रिल बना रहा और लोग अपने नाखून चबाने पर मजबूर हो गए थे। और मुझे लगता है जो क्रिकेट प्रेमी है यही चाहते हैं एक क्रिकेट मैच से। तो आपको क्या लगता है इंडिया मैच फेयर एंड स्क्वायर जीती? कमेंट्स में हमें बताएं और हाँ अनकट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।